भारत अपना पहला पिंक बॉल टेस्ट मैच खेल रहा है। जहां इंदौर की बात करें तो वहां पर भारत ने एक अच्छा प्रदर्शन यहां पर किया, लेकिन अब दूसरे टेस्ट की पहली इनिंग्स में भी एक अच्छा प्रदर्शन भारत कर रहा है और अब बैटिंग यहां पर शुरू हो गई बांग्लादेश के खिलाफ। कोलकाता के ईडन गार्डन्स में मैदान पर हो रहा है। टॉस जीतकर खेलने उतरी बांग्लादेश की टीम मात्र 106 रन पर आउट हो गई, तो भारतीय तेज गेंदबाजों ने 30 कमाल कर दिया और 3 ओवर में बांग्लादेश को ढेर कर दिया। ईशांत शर्मा ने 5 और उमेश यादव ने 3 विकेट और मोहम्मद शमी ने 2 विकेट लिए हैं। बांग्लादेश की तरफ से शादमान इस्लाम ने 29 रन की पारी खेली, जबकि लिटन दास 24 रन बनाकर रिटायर हर्ट हुए। तो आपको बता दें कि भारत अपना पहला पिंक बॉल का टेस्ट खेल रहा है और बेहतर प्रदर्शन इस टेस्ट मैच में भी दिखाई दे रहे, तो डे नाइट का ये पहला टेस्ट मैच ऐसा हो रहा है जिसमें बेहतर प्रदर्शन करते हुए 106 पर जो है बांग्लादेश की टीम को रन आउट किया है भारतीय गेंदबाजों ने। और कहीं ना कहीं इस बार भारतीय गेंदबाजों का जो प्रदर्शन है वो कहीं ना कहीं अच्छा दिखाई दिया है, तो 3 ओवर में बांग्लादेश को भारतीय टीम की तरफ से ढेर कर दिया गया। तो मात्र 106 रनों पर रन पर आउट हो गई भारतीय तेज गेंदबाजों ने 30 पर कमाल कर दिया और 3 ओवर में बांग्लादेश को ढेर कर दिया। ईशांत शर्मा ने 5, उमेश यादव ने 3 विकेट और मोहम्मद शमी ने 2 विकेट लिए हैं। तो इसी से समझा जा सकता है कि तेज गेंदबाजों ने किस तरह से अपने हुनर का कमाल इस दूसरे टेस्ट मैच की फास्ट इनिंग में दिखाया। बांग्लादेश की ओर से शादमान इस्लाम ने 29 रन की पारी खेली, जबकि लिटन दास 24 रन बनाकर रिटायर्ड हर्ट हुए हैं। तो भारत अपना पहला पिंक बॉल का ये टेस्ट खेल रहा है।